हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल स्टडी केयर में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जल्दी धुआंधार और शानदार करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उम्र भर लोगों से जुड़ने वाले किस समाचार पत्र के चेयरमैन स्व रमेश चंद्र अग्रवाल के नाम पर डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शंस है दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, हिंदुस्तान या लास्ट वन नवभारत टाइम्स। तो इसका सही उत्तर है दैनिक भास्कर। अगला प्रश्न, MSME को किस बैंक के वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम का लाभ दिलाने के लिए एसआईडीबीआई ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस है बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय रिजर्व बैंक, यस बैंक या लास्ट वन कैनरा बैंक। तो इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से किस राज्य से राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाज का निधन हो गया है? ऑप्शंस है गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न, 2 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दोनों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। 2 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीवी नियंत्रण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, राष्ट्रीय कोरोना नियंत्रण दिवस या लास्ट वन राष्ट्रीय वायरस नियंत्रण दिवस। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCI ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की किस धारा के तहत इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड के साथ SPL के प्रस्तावित एकीकरण को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2001 की धारा 31(1), प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1), प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2003 की धारा 31(1), प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2004 की धारा 31(1)। तो इसका सही उत्तर है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1), यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य के बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए $132.8 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस है गुजरात, बिहार, कर्नाटक या मेघालय। तो इसका सही उत्तर है मेघालय, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश का स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर 6 दिसंबर 2020 को वापस आएगा? ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान या चीन। तो इसका सही उत्तर है जापान। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दो, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।